विस्थापित संघर्ष समिति द्वारा पूर्व मंत्री सधनु भगत और देवेंद्र उराव की अगुवाई में अपनी मांगों को लेकर समाहरणालय मैदान में एक दिवसीय धरना दिया गया। जिले के बुगडू हिल में हो रहे बॉक्साइट खनन का आदिवासी रैयत विरोध कर रहे हैं। विस्थापित संघर्ष समिति ने बॉक्साइट खनन कर रहे हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड पर आदिवासियों की जमीन पर कब्जा कर अवैध खनन करने और सरकारी शर्तों का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए खनन रोकने की मांग की है। विस्थापित संघर्ष समिति ने रैयतों की जमीन वापस करने, मुआवजा देने और खनन रोकने के साथ कई मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया और आगे मांग नहीं पूरी होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। उन्होंने हिंडाल कंपनी के द्वारा बॉक्साइट का खनन किया जा रहा है, उस क्षेत्र को 73 आदिवासी रैयत बगरू हिल क्षेत्र में आपका लिया गया था हिंडाल कंपनी के द्वारा, जो विदेशी कंपनी थी। उस कंपनी को जब यह जमीन लिया गया उस समय सरकार ने इसको कुछ शर्तें दिया। उस शर्त पहला शर्त तो ये था कि जो जमीन कंपनी को दिया जा रहा है, ना जमीन बेचने वाला ना खरीदने वाला, ये दो में से कोई किसी तीसरे पार्टी को उस जमीन को नहीं दे सकता। दूसरा शर्त था जिस जमीन में, जिस उद्देश्य के लिए वो जमीन लिया जा रहा है, उस जमीन में किसी दूसरे उद्देश्य का उपयोग वहाँ पर नहीं किया जा सकता है। लेकिन कंपनी वहाँ पर क्या किया, क्वार्टर बनवा दिया और कई तरह का कंस्ट्रक्शन कर दिया, तो शर्त का उल्लंघन किया। तीसरा था कि 3 वर्ष के अंदर में उस जमीन पर उसको जिस उद्देश्य के लिए लिया गया है उस उद्देश्य का शुरुआत करना है कार्य को। लेकिन आज के समय भी बहुत सारा जमीन उस क्षेत्र में खाली है जो जमीन एक्वायर किया गया, और इसके अलावा भी अन्य कुछ ऐसे जमीन है जो सरकार के द्वारा या रैयत के द्वारा लिखित तौर पर उसको नहीं दिया गया, वैसे जमीन पर भी कंपनी का कब्जा है, ये मुख्य मुद्दा है। न्यूज़ विंग के लिए लोहरदगा से प्रीतम कुमार की रिपोर्ट। इस नए साल में भी हमारा साथ होगा, दिलों में वही विश्वास होगा, है हमारा वादा, अब बनाएं इंडिया को मजबूत ज्यादा। विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर।